क्यों रही अंजलि, तू एकदम चुप कैसे बैठ गई? हाँ दीदी, मन थोड़ा हिल गया। हाँ, थोड़ी सोच में पड़ गई। मुझे भी एक कहानी आती है, अलग सा साहस है उसमें। अच्छा? हाँ, वो कहानी महाभारत से है, अम्बा की कहानी। कुरुक्षेत्र की लड़ाई का 10वां दिन। कौरवों और पांडवों की बड़ी बड़ी सेनाएं, हाथी, घोड़े, सैनिक, सभी एक दूसरे के विनाश के लिए पागल। और इस कोलाहल के बीच शिखंडी आ खड़ी हुई भीष्म के सामने। शिखंडी और भीष्म का युद्ध आज थोड़ा शुरू हुआ है। ये तो बहुत लंबी और पुरानी कहानी है। कुरुक्षेत्र तो सिर्फ इस लंबे संघर्ष का आखिरी पड़ाव था। कौरवों में सबसे बड़ा योद्धा था भीष्म, और भीष्म के लिए सबसे बड़ा राज हस्तिनापुर, जिसकी रक्षा करना और बढ़ाना वो अपने जीवन का परम कर्तव्य समझता था। और दूसरी ओर मैं, शिखंडी, लोगों ने मुझे कभी समझा ही नहीं। किसी ने मुझे कहा जिद्दी और किसी ने कहा पागल। पैदा हुई एक स्त्री के रूप में, लेकिन एक पुरुष से बदला लेने के लिए मुझे भी पुरुष बनना पड़ा। आज जब मैं युद्ध के मैदान में आ खड़ी हुई, तो शायद फिर मैंने भीष्म के चेहरे पर उपहास की झलक देखी। पुरुषों से लड़ना वो वीरता समझता था, पर आज उसे सामना करना था एक स्त्री का, जो उसे पुरुष के रूप में ललकार रही थी। न चाहा मैंने युद्ध में जाना, राज के लिए मरना मारना, तुमने न दिया खुशी से जीना, और युद्ध क्षेत्र बना दिया मैदान हर निर्णय का। भीष्म हमेशा की तरह अपने बल पर सवार अम्बा को उसकी दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका के साथ उठा लाए थे अपने भाई विचित्रवीर्य से ब्याहने। लेकिन मैं राजा शाल्व से प्रेम करती थी। जिस व्यक्ति से मैं प्रेम नहीं करती, उसके साथ शादी कैसे कर सकती थी? आप सोचती हूँ ना जाने क्या देखा था शाल्व में भी मैंने। खैर, उस समय मुझे निर्णय लेना था। तोल में एक तरफ अपनी इच्छाएं थी, और दूसरी ओर यह सवाल कि भीष्म को ये बात कैसे कहूं। मैंने अपनी जिंदगी और इच्छाओं को चुना और भीष्म से कह डाला, मैं राजा शाल्व से प्रेम करती हूं। भीष्म ने मुझे शाल्व के पास जाने दिया। शायद थोड़ी देर के लिए उसका मन मेरे लिए इज्जत से भर आया होगा। उधर शाल्व, कितना बचपना, कितना छोटापन, बोला, भीष्म ने तुम्हें मुझसे लड़कर जीता है, मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? क्या सब फैसले लड़ाई कर हार जीत से हो जाते हैं? और इन दोनों पुरुषों की लड़ाई में मेरी इच्छा अनिच्छा की क्या कोई परवाह थी? पहले भीष्म ने मेरी जिंदगी पर अधिकार जमाया, पहले मेरे जीवन को अपने हाथों में ले तोड़ मरोड़ दिया, और शाल्व,
उसने इस निर्णय को स्वीकार किया। अम्बा ने औरों से भी मदद मांगी, पर किसी ने उसका साथ नहीं दिया। भीष्म से कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, और वो भी एक औरत के पीछे। हर जगह से लाचार हो अम्बा ने शिवजी की शरण ली, घोर तपस्या की, कठिन से कठिन व्रत किए। अंत में शिवजी ने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में वो पुरुष के रूप में भीष्म से बदला लेगी। परंतु एक औरत युद्ध में कैसे जा सकती थी? मुझे कहां सिखाया गया था युद्ध कौशल? औरतों को तो सिखाया जाता था घर बैठ वीरों का इंतजार करना, बस। युद्ध में जाने के लिए मुझे पुरुष के रूप में नया जन्म लेना पड़ा, और इसी दौरान अपने मन को कितना बदलना पड़ा, कितनी इच्छाओं को खत्म करना पड़ा, मैं क्या कहूं। मैंने अपनी चिता आप ही जलाई और उसे सहा, बार बार दोहराते हुए मैं नया जन्म लूंगी जिसमें भीष्म से बदला लूंगी। अपमान प्यार का ना सहूंगी, अपमान प्यार का दुखुआ शालवने पर उसी के कारण जीवन बिगड़ाया। अम्बा का जन्म हुआ राजा द्रुपद के घर, नाम रखा गया शिखंडी। बाकी राजाओं की तरह द्रुपद को भी चाहिए था बेटा वंश चलाने के लिए, परंतु शिखंडी तो लड़की थी। बेटी के जन्म पर निराश राजा द्रुपद ने ये घोषणा करवा दी कि राजमहल में पुत्र ने ही जन्म लिया है। बस फिर खूब खुशियां मनाई गई, दावतें दी गई, नगर को रंगीन रोशनियों से सजाया गया, क्या धूमधाम मची। और इस झूठ के कारण अम्बा को वो सब अवसर दिए गए जो उस समय किसी राजकुमार को दिए जाते थे। मैंने सीखा घुड़सवारी, राजनीति का ज्ञान, युद्ध कौशल, पढ़ाई लिखाई, मैं सब कर सकती थी। फिर क्यों हम कहते रहते हैं लड़की ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी, इसकी तो इज्जत का ही सवाल है। पर क्या हम लड़कियों को अपनी रक्षा करना सिखाते हैं? बेटी के जन्म को मानते हैं शाप, मानते एक बोझ जो उतारना होगा। कम खाना, कम शिक्षा, कम प्यार, बना देते हैं निर्भर औरों पर,
अपनी खुशियों के लिए, अपने जीवन के लिए। बेटा बन पढ़ना लिखना था तो एक झूठ ही, हमेशा ये डर रहता कहीं कोई जान न जाए। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीखते रहो। दूसरे राजकुमार भी मुझे प्रतियोगी समझते थे। मैं भी कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाई, बहुत अकेली रह गई। और भला ये स्वांग कब तक चलता? शिखंडी के सयाने होते ही राजा ध्रुपद ने उसके विवाह की तैयारियां शुरू कर दी, एक राजकुमारी के साथ। बहुत हो चुका, ये नया रिश्ता अब मैं किस तरह निभाती? घर छोड़ शिखंडी घोड़े पर सवार दूर जंगल में निकल आई। वहां एक खंडर के पास पहुंच गई। इस खंडर के बारे में लोग कई डरावने और अद्भुत किस्से कहते थे। पर कितनी शांत थी ये जगह, लगता था कुछ भी संभव है यहाँ, अपने अनेक रूप खिल सकते हैं। और दूसरी ओर वो सीमाएं जो हमेशा मुझे छोटेपन और घुटन का एहसास दिलाती थी। क्या अधिकार था भीष्म को मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ करने का? बांध के हमको सीमाओं में, बांध के हमको सीमाओं में, ना ही देखने देते जीवन क्यों चाहेंगे जन्म दूसरा। एक ही में इच्छा पूरी हो, बस एक ही में इच्छा पूरी हो। खंडहर में मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे साथ कोई और भी है जो बिना मोल तोल के मेरे अंदर के कोलाहल को समझना चाहता है। ये खंडहर स्थून नाम के एक यक्ष का घर था। वो शिखंडी के सामने आया और बोला, वो कौन सी चीज है, कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना परेशान बना दिया है? मुझसे जो होगा मैं करूंगा। क्या तुम मुझे पुरुष बना सकते हो? और उस खंडहर में एक अनोखी घटना हुई। स्थून ने अपना पुरुष रूप शिखंडी को दे दिया और आप स्त्री रूप में उस खंडहर में शिखंडी का इंतजार करने लगा। शिखंडी घोड़े पर सवार कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ी। कितना अद्भुत व्यक्ति था स्थून। पुरुष होने के अधिकार को जताने के लिए भीष्म और शाल्व जैसे पुरुष कितने छोटे और बड़े खेल खेला करते हैं, अपने को कितना सीमित करते हैं। क्षण भर के लिए सोचा, मैं क्यों युद्ध में जाऊं, क्यों वही खेल खेलूं हार जीत का। पर गुस्सा अब भी बहुत था। भीष्म के लिए मुझे ये सब सहना पड़ा, उसे मैं कैसे छोड़ दूं? कुरुक्षेत्र के युद्ध के 10वें दिन शिखंडी के हाथों भीष्म की हत्या हुई। और इसी कारण मेरा नाम महाभारत में है। पर मेरा संघर्ष भीष्म की हत्या से बड़ा था। अपनी इच्छा से जीना, जिसके लिए मुझे समाज की बनाई गई सीमाओं को पार करना पड़ा। इतिहास और परंपरा ने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया, पर आप तो समझ सकती हैं बहनों। कैसे भूल जाऊं, क्यों न सजा दूं, कैसे भूल जाऊं, क्यों न सजा दूं, तप से कोमलता लांघूं, ता
आदर्श दिखा दूं। ताकि न खेले प्यार से करे सम्मान रहे न्याय से। सीमाएं लांघने पर औरत को क्या क्या भुगतना पड़ता है ना? भुगतना तो पड़ता ही है, सीमा लांघो या ना लांघो। अब देखो ना, अहिल्या जैसी सती को भी कितनी सजा मिली। चलो यार, सुने अहिल्या की कहानी उसी के मुंह से। दीदी, लेकिन आप सिर्फ अहिल्या की कहानी थोड़ा सुनाएगी? बिल्कुल नहीं, साथ साथ हम भी खूब बातें करेंगे। अरे वाह, मजा है फिर। प्यार किया पति से इतना, सही स्वभाव पर नाही जाना, डूब गई पूरी भक्ति में, खुली नजर से न देखा न सोचा, प्यार पति से धर्म यही जीना यही कर्म। क्यों रे मंजीता, ऐसी उदास क्यों हो गई है? क्या कहूं, शादी करते हुए मैंने भी ऐसे ही समझा था, लेकिन ये ऐसी बातें असल में थोड़ी मिलती है, बस फिल्मों में या कहानियों में ही ऐसा होता है। और खुद को मिटाने से दुखी तो होता है, एक मिटता है दूसरा बढ़ता रहता है। हाँ, और आप रोती और सहती रहती है, कुछ भी हो मैं तो अपने साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। बिल्कुल, क्या बोला तूने। अब आगे कहानी सुननी है ना? हाँ, तो चलो कहानी सुनो अहिल्या की। अपनी सुंदरता पति में समाई, आंखें मेरी उसी में खोई, मालूम ही न हुआ इंद्र का दाव, पतिवेश में पति का भाव, इस छल को मैं देख न पाई, जीवन भर की सजा भुगताई। हाय सुनी जब पति की बानी, आंख खुली पूरी घबराई, क्रोध देख उनका भिरमाई, समझ न पाई क्या करूं माई, क्या करूं माई।
कहने से पहले ही मुझको सजा सुनाई, कुछ कहने से पहले ही मुझको सजा सुनाई। पापिन पत्थर हो जीवन भर, पापिन पत्थर हो जीवन भर, पापिन पत्थर हो जीवन भर। कितनी कड़ी सजा, हाय रे हाय, देखो ना। चुप की मेरी भाषा, पत्थर सा हो गया दिल, पत्थर सा हो गया दिल। दोष न होते सजा मिली, अपमान हुआ इतना कि जख्म कभी वो भर ना पाई, जख्म कभी वो भर ना पाई। साल हजारों बीते ऐसे, साल हजारों बीते ऐसे, राम स्पर्श ने जगाया कैसे, राम स्पर्श ने जगाया कैसे, जगाया कैसे। ये जो उद्धार की बात है ना, मुझे तो ठीक नहीं लगती। तुम कुछ भी कहो दीदी, इससे तो पर्दा ही पड़ जाता है उसकी कहानी पर। उसकी कोई गलती ही नहीं तो उद्धार का सवाल ही क्यों उठे। आज भी हालत बदली कहाँ है। किसी औरत की इज्जत पर हाथ डाला जाता है तो उसी को दोषी समझते हैं, कहते हैं यही चालू कसम की औरत है, या तो उसके कपड़ों पर, उसकी चाल ढाल पर, उसके रूप पर, किसी पर भी इल्जाम लगाते रहते हैं। मुझे तो ऐसी चिढ़ आती है। कोई सोचता नहीं है कि आगे चलकर उस औरत का क्या होगा। मेरी एक सहेली है, 14 साल की उम्र में एक दिन उसको गुंडों ने ऐसे घेरा, उसके साथ उस समय जो भी कुछ हुआ उसे वो जीवन भर भूल न सकी। तभी तो हमें कितना सजग रहना पड़ता है हमेशा। मैं तो सही में थक गई हूँ पूरी। समीना जी, थकने से क्या होगा बताइए। ये भी कोई बात है, देख तो अहिल्या अपने बारे में क्या सोचती है। पत्थर का वो जीवन मेरा, अब लगता है बिरथा सारा, खुद को मैंने ऐसे कोसा, नहीं किया किसी पर गुस्सा। कहीं सुनाई कहानी मेरी, दुख हुआ जरा सा हल्का, पुरुष वही है सखियों, पुरुष वही है सखियों जो पहले इंसान है अच्छा, पहले इंसान है अच्छा, पहले इंसान है अच्छा। पौधे को सूरज की ओर बढ़ने से क्या रोका जा सकता है, पौधे को सूरज की ओर बढ़ने से क्या रोका जा सकता है, समुद्र के पानी को क्या बांधा जा सकता है,
बिना सींग की गाय क्या हो सकती है? अरे क्या बड़बड़ा रही हो समीना दीदी, क्या पहेलियां बुझा रही हो? अरे सुन तो सही, कहानी एक छोटी गाय की। छोटी गाय? हाँ, तुम्हारे जैसी। ओ बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक बैल रहता था। उसके बड़े बड़े सींग थे। वो अपने लायक दुल्हन की खोज में था। मुस्कुराते हुए वह सोचता था, दुल्हन गोरी, बड़ी बड़ी सुंदर आंखों वाली और अच्छी नस्ल की तो होनी ही चाहिए। बैल ने अपने बड़े बड़े सींगों को हवा में उछालते हुए जोर देकर कहा, पर इस सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके सिर पर सींग नहीं होने चाहिए। बैल को घृणा थी उन बड़ी बड़ी गायों से जो घमंड से अपने सींग उठाए चलती थीं, और यहाँ तक कि अपने सींग वाले सिर से उसे चुनौती भी देती थीं। उसकी दुल्हन शर्मीली, नाजुक, सुंदरी होगी, जो जहाँ वह कहेगा वहाँ अपनी आंख शर्म से झुकाए, अपने गले में बंधी घंटियों की मधुर झनकार करते हुए शाम को उसके पीछे पीछे चलेगी। और मजा तो तब आएगा जब दूसरे बैल उसकी ईर्ष्या में पांव पछाड़ते रह जाएंगे, और हाँ, वे सब उसकी तारीफ करते हुए कहेंगे, कितना किस्मत वाला है ये बदमाश। और इस तरह बैल ने अपने बड़े बड़े काले काले सींगों को हवा में लहराकर घमंड से घर्राटा भरा। वाह, जवान, स्वस्थ और फुर्तीली चंचल जिंदगी का तो आनंद ही निराला है। कुछ समय जरूर लगा, पर बैल ने बिना सींग की गाय ढूंढ ही निकाली और उससे शादी कर ली। कद में वो दूसरी गायों से छोटी थी, पर थी बड़ी बड़ी आंखों वाली, गोरी और सुंदर। वो उसके पीछे पीछे जरूर चलती, पर नजरों को नीचे झुकाकर नहीं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें यहां वहां आने जाने वालों को देखती और मुस्कुराती। इस बात को लेकर बैल को गुस्सा आता। घर्राटा भरते हुए उसने कहा, इस तरह यहां वहां मत देखो। गाय ने कहा, लेकिन क्यों? चिल्लाते हुए बैल ने कहा, मुझसे सवाल जवाब मत करो। तुम जवान हो, तुम्हारे सींग भी नहीं है। मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं चाहता हूं तुम घर पर बाड़े में खूंटे से बंधी रहो और यहां वहां न देखो। और इस प्रकार गाय को बाड़े में खूंटे से बांध दिया गया। वह सिर्फ दिन में एक बार पानी पीने के लिए तालाब पर जा पाती। बेचारी गाय बहुत उदास हो गई। उसकी उदासी और भी बढ़ती गई, क्योंकि बैल उसे किसी से भी बोलने न देता था। कभी कभार तो वो गुस्से में अपने सींगों से उसे मारता भी था। ऐसा लगता था दिन ब दिन उसका अक्खड़पन बढ़ता जा रहा है, वह शक्तिशाली बनता जा रहा है। चमचमाती धूप में अपने भाई बहनों के साथ वो किस तरह आनंद से खेलती थी और किलकारियां भरती थी, ये याद कर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते। उन सब के सींग निकल आए थे। कद में छोटी और बिना सींग की रह गई थी तो सिर्फ वो। कभी कभी वो सोचती, मुझ में कोई खामी तो नहीं? मेरी माँ और बड़ी बहन की तरह मेरे सिर पर सींग क्यों नहीं है? फिर भी मेरी शादी कर दी गई। दिन महीनों में बदलते गए, कई बरसात निकल गए। पानी पीने के लिए तालाब पर जाने के अलावा गाय अपने बाड़े से बाहर कभी न गई। अब बाड़े में उसके साथ उसके अलावा एक बछड़ा भी था, फिर भी उसका दुख कम न हुआ और एकांत में वह कई बार रोई। पर एक दिन वह सुबह भी आई जब सब कुछ बदल गया। हमेशा की तरह वह पानी पीने तालाब पर गई। पानी स्वच्छ और शांत था।
पता है उसने पानी में क्या देखा? अपनी परछाई, जिसमें उसके सिर पर दो छोटे छोटे सींग निकल रहे थे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने आसमान की ओर देखा। आसमान चमकीला, स्थिर और शांत था। मैदान घास से हरा भरा था। उसके दोस्त चुपचाप या तो घास चर रहे थे या लेटे हुए सूर्य की किरणों का आनंद लूट रहे थे। सुबह की स्वच्छ हवा में उसने लंबी सांस ली और फिर दौड़ पड़ी। बाड़े के चारों ओर दौड़ी, एक बार, दो बार कूद कर बाड़े को लांघ कर सड़क की ओर भाग निकली। हवा की तरह ही उन्मत्त और बेफिक्र वह ऐसे भाग रही थी मानो हवा से बातें कर रही हो। वाह, जवान, स्वस्थ और फुर्तीली चंचल जिंदगी का तो आनंद ही निराला है। वो दौड़ी और दौड़ी। अचानक उसे सामने बैल दिखाई दिया। बैल ने उसे देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गाय ने भी बैल को देखा और अपने नए सींगों को हवा में उछालते हुए दूसरी दिशा में भाग चली। बैल झुंझलाया। उसने घर्राटे भरे पर एक शब्द भी न बोल पाया। उसमें गाय का पीछा करने तक की भी हिम्मत न रही। व्याकुल बैल को अपनी गलती का एहसास अब हुआ। बिना सींग की गाय की कल्पना ही गलत है। उसने तो बछड़े से शादी की थी। बछड़ा अब गाय बन चुकी थी और उसने अपने सींगों का इस्तेमाल करना भी सीख लिया था। क्यों अंजलि, तुम्हारे सींग निकल आए कि नहीं? हाँ हाँ, तुम ही से तो सीखा है सींग निकालना। अरे चुप भी करना। तुम कुछ कहो मैं कुछ कहूँ, तुम कुछ कहो मैं कुछ कहूँ, तुम कुछ कहो मैं कुछ कहूँ, तुम कुछ कहो मैं कुछ कहूँ। अपनी कहानी सुनाते रहे, बनाते रहे, सुनाते रहे, बनाते बनाते रहे, बनाते रहे। एक एक कर खोद खोद कर जड़ों को तोड़ा, रिश्तों को समझा, रिवाजों को जाना, और पूछे नए सवाल, और पूछे नए सवाल। ढूंढते रहे नए जवाब, नए जवाब, नई राहे, नए जवाब, नई राहे, नई राहे, नई राहे। कहूँ तुम कुछ कहो, मैं कुछ कहूँ तुम कुछ कहो, मैं कुछ कहूँ तुम कुछ कहो, मैं कुछ कहूँ तुम कुछ कहो। अपनी कहानी सुनाते रहे, बनाते रहे, सुनाते रहे, एक एक कर खोद खोद कर जड़ों को तोड़ा, रिश्तों को समझा, रिवाजों को जाना, और पूछे नए सवाल, और पूछे
करते रहे नए जवान। समीना दीदी, इस सब में से हमारे लिए कोई नई लुभावनी बात निकल रही है कि नहीं, कि सिर्फ सपने ही देख रहे हैं हम? तुझे सपनों से इतनी नफरत क्यों हो रही? हाँ, अरे सपने भी बहुत कुछ दिखा देते हैं। सुन तो सही रूपा की कहानी, जो एक दिन बन गई मैना। मैना? हाँ हाँ, मैना। अरी ओरी सारी सहेलियां, अरी ओरी सारी सहेलियां, सुनो रूपा के मन की कहानियां, सुनो रूपा के मन की कहानियां। जो मन ही मन बन गई मैना, जो मन ही मन बन गई मैना, उसके आजाद जीने का सपना, उसके आजाद जीने का सपना। मैना के परों पे होके सवार, घर की सीमा को कर दिया पार। इतनी लंबी भरी उड़ान, ढूंढा रूपा मैना बनी क्यों? ये सुनरी सारी सहेलियां, ये सुनरी सारी सहेलियां, अरे रूपा के घर की कहानियां, अरे रूपा के घर की कहानियां। पैदा हुए जहां ये सपने, पैदा हुए जहां ये सपने, दुनिया का रूप दिखाने, दुनिया का रूप दिखाने। रूपा थी एक बहु नहीं, रूपा थी एक बहु नहीं, डरी डरी सहमी सहमी, डरी डरी सहमी सहमी, चक्की की तरह जो चलती, खाना पकाती, कपड़े धोती, मसाला कूटती, खेत में जाती, खेत में जाती, सारा दिन बस काम ही करती, सारा दिन बस काम ही करती, काम ही करती, काम। आगे फिर हुआ क्या? सुनो बात एक दिन की, बात एक दिन की, खेतों में घर के गए सभी, घर के गए सभी, जाते जाते दे गए धमकी, दोपहर का खाना लाना वरना देख लेंगे हम तुमको भी। सुनो री सहेली रूपा घर में अकेली, ओ सुनो री सहेली रूपा घर में अकेली, लकड़ी लाई चूल्हा जलाया,
नन्हा सा बच्चा रोया रोया, नन्हा सा बच्चा रोया रोया, दूध पिलाते सुलाते सुलाते, दूध पिलाते सुलाते सुलाते, ना जाने कब रूपा सो गई, ना जाने कब रूपा सो गई। शाम हुई, शाम हुई, शाम हुई, आँख खुली रूपा घबराई, ढलता सूरज लौटते पंछी, हाय रे हाय अब क्या करूं माई, हाय रे हाय अब क्या करूं माई, कहाँ से खाना लाऊं अभी, आते ही होंगे बड़े सभी, हाय रे हाय मैं कैसे सोई, हाय रे हाय मैं कैसे सोई, इतनी थकी कुछ कर ना पाई, इतनी थकी कुछ कर ना पाई। फिर रूपा ने क्या किया? लेकिन अब होगा भी क्या, कोई बताओ मैं करूं क्या, कैसे बचूं कि भाग जाऊं, मैं ना के परों पे होके सवार, घर भर से छुटकारा पाऊं, देखो देखो अब सारी सहेलियां, देखो अब सारी सहेलियां, कैसे रूपा हो गई मैना, कैसे रूपा हो गई मैना। ओरी सहेलियों जाती हो कहाँ, खत्म कहानी हुई कहाँ, रूपा की कितनी लंबी उड़ान, देखे देश नए नए, नए शहर गांव नए, लांघे जंगल पानी पहाड़। अच्छा, पंख में कांटे चुभ गए, निशाना बनी शिकार का, फिर भी साहस बड़ा हुआ, नई रोशनी जगाता रहा, नई दुनिया दिखाता रहा, वही चावल वही दाल वही घर बार, वही रिश्ते वही काम, वही रिश्ते वही काम, लेकिन रूपा नहीं रही वही, लेकिन रूपा नहीं रही वही,
मैना के परों पे होके सवार, मैना के परों पे होके सवार। रूपा ने पाई है नजर नहीं, रूपा ने पाई है नजर नहीं, नजर नहीं, नजर नहीं, नजर नहीं। रूपा ने तो दुनिया देखी, दुनिया देखी, दुनिया देखी, जानी कितनी बातें, जानी कितनी बातें। लिया सिर पे घर का सारा बोझ, क्यों लिया सिर पे घर का सारा बोझ, क्यों हर समय मुंह में रहती जान, घबराया रहता मन। अपनी खुशी रखी सबके पीछे, अपनी खुशी रखी सबके पीछे, और क्यों माना इसे धर्म। क्या सुनी है तूने कहानी अन्नपूर्णा की, जो आई है एक सहेली की चिट्ठी में। सुनो, मेरी प्यारी सहेली सरिता, बहुत दिनों से तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं मिली। इंतजार में मेरा दिल उदास हो गया है। तुम्हें याद है सरिता, बचपन में हम खेल खेल में कैसे सारा काम भूल जाते थे। याद है कितनी डांट पड़ती थी हमें, हमारा तो नाम ही काम चोर पड़ गया था, है ना। कुछ दिन पहले तुम्हारे ससुराल से चाचा जी आए थे, तुम्हारी खूब तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे लोग तो तुम्हें अन्नपूर्णा कहते हैं, सरिता का नाम तो जैसे लोग भूल ही गए हैं। अजीब लगता होगा ना, मेरा तो नाम बिना ही रहा है, अन्नपूर्णा बन ही नहीं सकी। यहां चाचा जी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और ससुराल वाले मेरी और ऐसे ताक रहे थे कि क्या कहूं। सरिता, यहां चादर छोटी है और पांव बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये सारा बोझ मुझी पर थोपा जाता है। मैं क्या क्या करूं, घर तो चलाती ही हूं, खाना कपड़ा बर्तन चूल्हा चौका पैसा पैसा बचाती रहती हूं, सिलाई पर साबुन पर खाने पर, फिर भी निपटा नहीं है। क्या जादू टोने से निभाया जा सकता है, और दोष तो मुझे ही दिया जाता है। सरिता, एक बार उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया, बोले बाकी औरतें भी तो घर चलाती है, तुझ में ही कुछ कम है। और घर के बाहर जाकर पैसा जुटाने की बात करूं तो उसे भी मना करते हैं, बोलते हैं फिर घर को कौन देखेगा। क्यों, घर में और भी तो लोग हैं, वो क्यों नहीं हाथ बटा सकते। सरिता, मुझसे और नहीं सहा जाता, मेरे तो हाथ पांव ही बांध दिए हैं, ना इधर ना उधर कुछ भी नहीं कर सकती। और मां से भी क्या कहूं, बात निकालती हूं तो कहती है ऐसा ही होता है बेटी, इसी को तो कहते हैं गृहस्थी, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। अब तुम ही बताओ सरिता, तुम्हारी तो ससुराल वाले बहुत तारीफ करते हैं,
तुम कैसे अन्नपूर्णा का आदर्श निभाती हो? भूखी रहकर, अपना मन मारकर, सबके लिए अन्नपूर्णा, अपने लिए सरिता। चाचा जी कह रहे थे कि आजकल तुम अकेला रहना पसंद करती हो। मुझे तो यकीन नहीं आता, तुम तो कभी चुप नहीं बैठती थी। इतना जो चुप चुप हो गई हो, अपना दुख किसंग बांटोगी? मेरे मन में यही डर है, कहीं ऐसा करते तुम मिठी न जाओ, सिमट ही न जाओ। तेरी सुखी गृहस्थी पर मुझे खुशी है सरिता, लेकिन लेकिन तेरे अंदर जो घुटन है ना, उससे मुझे डर लगता है। द्रौपदी भी तो अन्नपूर्णा कहलाती थी, पर उसके जिंदगी में कृष्ण था, तुम्हारी जिंदगी में कौन है? सरिता, अपनी सेहत का ख्याल रखना और जल्दी चिट्ठी लिखना। तुम्हारी सहेली बीना। हाँ, चिट्ठी में तो बहनों है बड़ा प्यार और विश्वास, लेकिन सच में आएगी क्या एक दूसरे के साथ? नहीं आएगी तो रह जाएगी अकेली, कौशल्या की तरह। क्या रामायण की कौशल्या? हाँ, वो भी, और आज भी जो घर घर में दिखाई देती हैं। सुनो अब उन दोनों की कहानी। आज कहूँ मैं अपनी कहानी, आज कहूँ मैं अपनी कहानी। इतने दिन से चुप रही बानी, इतने दिन से चुप रही बानी। आज कहूँ मैं अपनी कहानी, आज कहूँ मैं अपनी कहानी। अयोध्या की मैं ठहरी रानी, मन की बात कहना ना जानी। आदर्शों के उस पिंजरे में चुप रहना ही हमें सिखाया, चुप रहना ही हमें सिखाया। मेरी शादी को 15 साल हो गए। मेरा आदमी रोज शराब पीता है और मुझे पीटता है। रात को आप देर से घर आता है और जो भी हाथ में आए उसी से मेरी पिटाई करता है। मारता तो नहीं, पर गुस्से में महीनों बात नहीं करता। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी उनके चुप रहने से। रानी थी मैं बड़ी सबसे, रानी थी मैं बड़ी सबसे। मान मिला मुझको सबसे, लाड प्यार पति का कई कई से। फुर्सत मिलती राजपाट से, लाड प्यार पति का कई कई से। सोचा हम कर्तव्य निभाए,
पूजा व्रत में मन को लगाए, द्वेष ना करे सबको संभाले, यही जीवन की राह मान ले। यहाँ मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, वो मेरा साथ नहीं देते और जिसके मन में जो भी आता है वो मुझसे करता है। मुझे मालूम है ये सब जानबूझकर किया जाता है, मुझे तोड़ने के लिए, मुझे गुलाम बनाने के लिए। पता है मुझे मायके गए कितने बरस हो गए हैं, बस मुझे घर से निकलने ही नहीं देते। राम जन्म खुश हुई अयोध्या, राम जन्म खुश हुई अयोध्या, मेरा मन फूला न समाया, मेरा मन फूला न समाया, सबसे बड़ा पुत्र दशरथ का, सबसे बड़ा पुत्र दशरथ का, मेरी गोद में जन्मा, मेरी गोद में जन्मा। राम ने पाया प्यार पिता का, राम ने पाया प्यार पिता का, सम्मानित उससे कौशल्या, सम्मानित उससे कौशल्या। मेरी पहली संतान लड़की थी, उन्होंने कहा उसने पत्थर जना है। मेरे तो दो बेटे हैं, उसने फिर भी दूसरी शादी कर ली। हाँ, बेटे होने से भी क्या होता है, मेरा अपने बेटों पर क्या अधिकार है। जब उसने मुझे छोड़ा तो बच्चे भी साथ ले गया। राम मेरे बनवास सिधारे, सीता लक्ष्मण उसे अनुसरे, मुझ अकेली को कौन सवारे, कौन सवारे, कई कई को मैंने समझ लिया, उससे मुझे क्या मिला, राम और सीता होते हुए खाली रह गए हाथ हमारे, खाली रह गए हाथ हमारे। सोचने से अब क्या होगा, पर मन में आता ही रहता, अगर कह कहीं मेरी सखी होती, सखीपन का विश्वास निभाती, रामायण कुछ अलग ही होती, 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 रामायण कुछ अलग ही होती। जब से मैं औरतों के एक संगठन में आने लगी हूँ, मेरा दुख तो हल्का होता ही है, ये जानकर कि सभी किसी न किसी संघर्ष में जुटी है, साथ में उम्मीद भी रहती है। मैं
और को फंसा लिया दीदी जी। इसमें भला फंसाना कैसा, जो जितना साथ देना चाहती है उतना देगी। और हमारे साथ कोई और भी आए तो उसमें बुरा थोड़ा ही है। लेकिन दीदी, कौशल्या तो अंदर ही रही। पर सीता ने तो सीमा लांघी। सीता सच में साहसी होगी। हाँ बहनों, अब सीता के साहस की कहानियाँ हमको ही जुटानी होगी। आओ चले, सीता से ही पूछे उसकी कहानी। सीते तू बोल जरा, तू बोल सीते बोल जरा, सखी सीते तू बोल जरा, तू बोल सीते बोल जरा। चुप रह तेरी बरसों बीते, चुप रह तेरी बरसों बीते, मन खोल कहानी सुना जरा, तू बोल जरा, तू बोल जरा। धरती को क्यों कहा सीते अपनी गोद में ले जा, ये किस कारण तुम कही सीते, बता हमें दे सही, सीते बता हमें दे सही। धीरज की भी सखियों एक सीमा होती है। बार बार वही अपमान, वही शक। एक बार तो अग्नि परीक्षा दे ही चुकी थी, अब दूसरी बार वही परीक्षा, अपने जवान बच्चों के सामने भरी सभा में। मुझे फिर कहा गया, अपने सतीत्व को साबित करो, क्योंकि कुछ लोगों को अब भी तुम पर शक है। तुम ही बताओ, इससे बचने का और कोई रास्ता था? नहीं कहती तो कौन सुनता? बस जहां से आई थी वहीं अपनी मां की गोद में चली गई। सीते सखी तुम एक बताओ, जब अश्वमेध के घोड़े पकड़े लव कुश ने, अचरज में आए राम, पूछा ये किसके बच्चे, मिलने पर बोले बच्चों तुम मेरे हो, संग चलो अयोध्या, राह तुम्हारी देख रही हो, एक बताओ सीते क्या सोचा तुमने, संग राम तुम चली अयोध्या, भूली वो जो पहले था, बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया था, पिता संग उन्हें जाते देख सीते तुम्हें कैसे लगा था, कैसे लगा था? अपने बच्चों को छोड़ मैं अकेली फिर से जिंदगी कैसे शुरू करती? कौन माँ अपने बच्चों को खोना चाहेगी? मान लिया तुम बच्चों को ना,
छोड़ सकी, लेकिन क्या ये सोचा सीते होगा तो आदर माता का, ना भी हो औरत का अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में। इतनी सजाएं तुमने सही, अब याद करती हो पहली सजा को, तो समझती हो क्या राम को, तो समझती हो क्या राम को। तुमने उसे दिया प्यार और भक्ति, उसने तुम्हें क्या दिया? संदेह, पहली परीक्षा से आखिर तक। अब पहली परीक्षा पुरानी बात लगती है। वहां लंका में राम के मन में जो शक पैदा हो गया था, उसे मैं कैसे दूर करती? ये तो आर्यों की रीत थी बहनों। अगर मैं परीक्षा न देती तो वो मुझे वापस नहीं लेते, और अकेले लंका में मैं कैसे जीती? वेदना तो जरूर हुई, पर सोचा इसके बाद सारा अच्छा होगा। वो मेरा शरीर तोड़ सकते हैं, आत्मा नहीं। शरीर फिर भी संभाल लूंगी। आत्मा के घाव? हाँ, मन के घाव। मन के घाव आसानी से मिटते नहीं। हमने भी सहा, कभी कुछ कहा कभी ना कहा, अकेले परीक्षाएं देते रहें, लक्ष्मण रेखा से लड़ते रहें। तुम भी तो थी इतनी साहसी, तुम में जीने की कितनी शक्ति। आप ही महल छोड़ राम संग वन को चल दी। हाँ, राम संग वनवास जाना मैंने ही चुना था, ये मेरा निर्णय था। मैं अपने को राम के अर्धांगनी समझ उसकी कठिनाइयों में, उसकी हर प्रतिज्ञा में बराबर का साथ निभाती रही। और देखो, मेरी कठिनाइयों को, मेरे कष्ट को राम ने कहां बांटा? वैसे राम के साथ खुले बन मेरे लिए महलों की घुटन से कहीं अच्छे थे। महलों में हमेशा पराई ही रही। महलों में तुम अजनबी कैसी, तुम तो थी राजा की बेटी और महलों की तुम बहू बनी, और महलों की तुम बहू बनी। तुम तो थी महलों की रानी, तुम तो थी महलों की रानी। हमसे दूर हमसे अनजानी, आज तो अपनी बोल कहानी। बोल जरा तू, बोल रिसीते, बोल जरा तू, बोल रिसीते, बोल जरा। मैं महलों में कहां पैदा हुई? राजा जनक मुझे उठा लाए थे एक खेत से, बस तब से महलों के बीच रही। धरती की गोद में जिंदगी कठिन होती, पर मैं औरों के साथ मिल संघर्ष करना सीख जाती। लेकिन महलों में आकर मैंने चाहा मुझे अपनाया जाए, और इसीलिए एक आदर्श बेटी, एक आदर्श पत्नी बनने की कोशिश करती रही। तुमने तो आदर्श निभाया, तुमने तो आदर्श निभाया। कष्ट सहा, अपमान सहा, और भी तूने क्या न सहा। आखिर रह गई फिर भी
अकेली। कौन जाने ये दुख मेरा, न रही किसी की ना कोई मेरा। कौन जाने ये दुख मेरा, न रही किसी की ना कोई मेरा। ये कैसा रास्ता अकेला, ये ऐसा रास्ता अकेला। समझ लिया पति की इच्छा को, एक नहीं कई बार, फिर भी न जाना मेरे मन को, सह न सकी आखिरी बार। सोचा धरती तो मेरी है, गोद में उसके जाऊं, आदर्शों को रही निभाती, माँ की गोद में जाना यही आदर्श क्यों न दिखाऊं। सखियों आदर्श क्यों न दिखाऊं, सखियों माताओं को क्यों न बताऊं। सखियों एक ही मेरा है संदेशा, माँ बेटी का साथ जीवन का, मिलता है साहस जीने का, मिलता है साहस जीने का, मिलता है